हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गार्डनिंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, गार्डनिंग से रिलेटेड हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही क्लिक करें बेल आइकन पर, जिससे आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज का यह एपिसोड कुछ खास है, क्योंकि आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात करने वाला हूँ वह कुछ धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यह एक ऐसा देश है जो जहाँ अनेकताओं में भी एकता है। यहाँ भिन्न भिन्न धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ अनेक धर्म होने के कारण अनेक त्यौहार भी मनाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो साल के 12 महीने व्रत और त्यौहारों से सजे हुए हैं। फ्रेंड्स, हमारे देश की महिलाएं महान हैं, जो अपने बल्कि अपने लिए नहीं बल्कि अपने पति और पुत्र की लंबी उम्र की कामना के लिए अनेकों व्रत रखती हैं, अनेकों उपवास रखती हैं। तो मित्रों, इस महीने की 13 तारीख को भी एक व्रत है जिसका नाम है जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। धार्मिक शास्त्रों में भी इस व्रत का काफ़ी महत्व है। लेकिन मित्रों, मैं आज का यह वीडियो जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व बताने के लिए नहीं बना रहा हूं, बल्कि इसे बनाने का एक विशेष कारण है। इस व्रत में महिलाएं जो हैं वो व्रत से एक दिन पहले सायंकाल को भोजन करती हैं और दूसरे दिन वह निर्जला व्रत रहती हैं। कहने का मतलब वह दूसरे दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करती हैं। तो व्रत के दिन वह प्रातःकाल ब्रश और मंजन का प्रयोग नहीं करती हैं। वह अपने दांतों को साफ करने के लिए एक पौधे के ब्रांचेज लेकर के उससे उसके दांतों से अपने दांतों को साफ करती हैं और उसी पौधे को शाम के समय पूजा में फिर प्रयोग करती हैं। तो फ्रेंड्स, वह उस पौधे का नाम बरियरा है, बरियरा प्लांट। यह एक जंगली पौधा है, इसलिए इसे पहचानने के में अक्सर लोगों में गलती हो जाती है और वो इसी से मिलते जुलते दूसरे पौधों को इस्तेमाल करते हैं। तो मित्रों, मेरा यह वीडियो बनाने का यही कारण था कि मैं आप लोगों को बरियर प्लांट की पहचान करा सकूं, क्योंकि बचपन से ही मैं अपने आसपास के महिलाओं के लिए बरियर प्लांट में ही लाता था, इसलिए मुझे इसकी अच्छी पहचान हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने ये जो प्लांट दिख रहा है, यह बरियरा का प्लांट है। इसे बरियरा, बरेरा, बरियारा कई नामों से जानते हैं, भिन्न भिन्न नामों से, लेकिन बेसिकली जो इसका फेमस नाम हो, ज़्यादातर लोग इसे बरियरा ही कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पत्ते हरे रंग के होते हैं और ये थोड़ा सा गोल शेप में इसके पत्ते होते हैं। और आपको यह रोड साइड में अक्सर इसके पौधे मिल जाएंगे। हालांकि ये बरसात का मौसम है तो पानी लगने से अक्सर इसके पौधे जो है ख़राब हो जाते हैं, लेकिन आपको सूखे जगहों पर, जहाँ जैसे जो कि कुछ ऊँचे जगह हैं, वहाँ आपको ये पौधे मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके जो पौधे हैं जब बड़े हो जाते हैं तो इसमें पीले कलर के फूल भी लगते हैं छोटे छोटे, लेकिन इससे मिलते जुलते कई पौधे ऐसे हैं जिनमें पीले कलर के फूल भी लगते हैं और देखने में बिल्कुल इसी तरह होते हैं, मगर इसके जो फूल लगते हैं फ्रेंड्स, वो उसकी कलियां खिलती नहीं हैं, बल्कि उसके फूल अधखिले होते हैं और इसके पत्तों का साइज काफ़ी छोटा होता है। इसके पत्तों का जो आकार है वो काफ़ी हद तक शीशम के पत्तों से मिलता जुलता है। तो फ्रेंड्स, ये पौधा आपके सामने है, उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से पहचान गए होंगे और अब आपसे गलती नहीं होगी इसे पहचानने में।
तो उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जान सकें। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।